दोस्तों, बाग बगीचे, फूल पत्ते, खेती बाड़ी, वनस्पतियाँ और हमारी हरी भरी फसलें किसे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और आज मैं एक बगीचे में पहुंच गया हूं। यह सुरसरी के किनारे माँ गंगा बगल से निकल रही हैं, उनके किनारे हम खड़े हैं। यहाँ विशेष रूप से जो बगीचे हैं वह ताड़ के और खजूर के। यह ताड़ आप देख रहे हैं, बड़ा मजबूत इसका फल होता है और तने बहुत मजबूत होते हैं। इसके रस को लोग पान करते हैं, देहात में लोग तरकुला रिष्ट उसे बोलते हैं। यहाँ से ताड़ का रस उतारने वाला ऐसे जाता है, विशेष प्रकार के पैरों में लगाता है इसी ताड़ का की रस्सी बांध करके, और चढ़ जाता है। उसके पास एक हथियार होता है, उससे वह रस निकालता है। यह जो बर्तन देख रहे हैं, चूंकि इसका समय खत्म हो गया है, यह कुम्हार लोग इसे बनाते हैं, आवा में पकाया जाता है, इसे लबनी बोलते हैं। लबनी, लब तक, लब का ध्यान नाम तो आपने सुना ही है, लब तक जाते जाते आखिर क्या है, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। इसमें लब, लब का नाम कई जगह दिया गया है, तो लबनी इसका नाम है। जो लब तक जाए और आनंद प्रदान करे वह लबनी है। यहाँ कई लबनी आप देख रहे हैं। चूंकि सीजन आप हो गया है, इसलिए तार उतारने वाले, रस उतारने वाले लोगों ने यहाँ रख दिया। आप खजूर का देख रहे हैं, इसका चुभ जाता है, पत्तियाँ बड़ी मजबूत होती हैं, इसे लोग झोपड़ी भी बनाते हैं और झाड़ू बनता है, इससे खजूर का झाड़ू बनता है। यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी आप देख रहे हैं, इसी में तार उतारने वाले लोग, जो तार का रस है, खजूर का रस है, उतारने वाले लोग इसमें रहते हैं और यहाँ आकर के लोग इसका पान भी करते हैं। मैं दिखा रहा हूँ यह जगह जगह बांस से। अगर आपके पास कोई संसाधन ना हो, आप लोहे की बाड़ न लगा सकते हो, पक्का अगर घेरा नहीं बना सकते हो, ब्रिक गार्ड नहीं बना सकते हैं, तो बांस लगा करके भी आप अपने पौधों की रखवाली कर सकते हैं। इस तरह से देहात में लोग अपने पौधों की रखवाली कर रहे हैं, करते हैं लोग। यहाँ आप चारों तरफ देख रहे हैं, पक्षियों का बसेरा है एक तरह से, और पूरी तौर पर पर्यावरण का पोषण कर रहा है यह स्थान। बड़ा सुरम्य है, इसमें फूल पौधे भी हैं। इधर यह भी ताड़ आप देख रहे हैं, बगल में ताड़ के ही वृक्ष आपको दिखेंगे, ताड़ और खजूर। खजूर का रस, एक बार ताड़ का रस मैंने भी लिया है, ऐसे ही देखने का मन हुआ तो एक बार ताड़ का रस लिया था, तो बड़ा खट्टा लग रहा था और अजीब उसका स्वाद, ऐसे लग रहा था जैसे बाहर आ जाएगा, तो एक बार मैंने लिया, उसके बाद लिया नहीं। ये आप देख रहे हैं नील गाय, यह जो आप गोबर देख रहे हैं नील गाय का है। नील गायों का बड़ा आतंक है, व्यापक मात्रा में इधर नील गायें हुआ करती हैं, और इसमें जंगली सुअर भी आते हैं, कहाँ छुपे हों कुछ कहा नहीं जा सकता, और बड़ा कड़ा हमला करते हैं वो लोग। उनके दांत होते हैं ऐसे नुकीले दांत, बहुत मजबूत, और दौड़ उनकी बहुत जबरदस्त होती है। यहाँ गाजीपुर में कईयों को मार करके घायल कर दिए, अब तो बस्तियों में भी आ रहे हैं, और किसानों के शत्रु इस दिशा में भी हैं कि आलू और अन्य फसलों को खोद करके उसे नष्ट कर देंगे। अगर अकेले खेतों में किसान मिल जाए तो दौड़ा करके उसे घायल कर देंगे। दौड़ तो जबरदस्त है, भाग करके भी जान नहीं बचेगा, और मजबूत वे इतने हैं कि लाठी डंडा उसके ऊपर असर नहीं करेगा। आपने सुना भी होगा, आप डिस्कवरी में आप देखते भी हैं कि जंगली सुअर, चीता, बाघ, शेर इनसे भी लड़ जाते हैं, आसानी से नहीं मरते, कभी कभी तो इन्हें परास्त कर देते हैं। चलिए, यहाँ भी ये काम का है, पौधा इसकी सुरक्षा की गई है, इससे अब इसमें कोई जानवर नहीं आ पाएगा, ऐसे सुरक्षा की जा सकती है। उधर बबूल का है, बबूल भी है, चारों तरफ बांस है, बांस की बाड़ लगाई गई है कि जो तूफान आता है बाहर से, चक्रवात आएगा, आधी आएगा, तो उसका असर इन वृक्षों पर नहीं होगा। आप सभी सबसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, जिनके पास जगह है वह लोग एक बिरवा, एक वृक्ष जरूर लगाएं, एक दो नीम का हो, आम का हो, पीपल, पाकड़, बरगद, कदम, ऐसे तमाम वृक्षों को रोपित कर सकते हैं। अगर कम जगह है तो सहतूत का एक पौधा होता है, बहुत बड़ा नहीं होगा,
शहतूत जिसे हम खाते भी हैं, उसकी चटनी बनती है, उसका फल भी खाते हैं, औषधीय गुणों से परिपूर्ण है शहतूत, उसे भी लगा सकते हैं। वहाँ आप चौकी डाल करके कुछ कुर्सियाँ रख कर आराम से आप बैठ सकते हैं और 10 लोग उसके नीचे उसकी छाँव में बैठ सकते हैं। वहाँ पक्षियों का भी बसेरा रहेगा, यह भी सुखद है। और जगह नहीं है तो तुलसी तो लगाया ही जा सकता है। तुलसी जो लगातार ऑक्सीजन प्रदान करती है उसे रोपित कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम चारों तरफ दिखा देते हैं कि कैसा है यहाँ का आनंददायक पक्ष। आज हम प्रफुल्ल के साथ सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ और आकर के काफी कुछ अच्छा लगा है देख करके। पक्षियों को भी हमने देखा है यहाँ, मोर भी आते हैं और कम से कम अभी हमने तोता भी देखा है। अब तोता भी नहीं दिख रहे हैं, समाप्त हो गए। बुलबुल यहाँ रहते हैं व्यापक मात्रा में। अब मैं सुबह सुबह का समय है, अब निकल गए हैं लोग, निकलेंगे फिर शाम को यहीं आ जाएंगे। आकर के उनका विश्राम स्थल है, देखिए ऊपर कौवा जी जा रहे हैं। दिखा पाना काफी मुश्किल है, निकल गए। इधर चेचा, मैना, तोता, इस तरह की पक्षियां हैं। आप सभी को अच्छा लगा होगा, पर्यावरण प्रेमी हूँ, जाता आता रहा हूँ, ऐसे स्थान जहाँ मिलते हैं वहाँ जाता भी हूँ, आप सभी को दिखाने का प्रयास भी करता हूँ। मैं आप सभी से विनम्र भाव से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल जो हमारे नाम से ही है, ब्रजभूषण दुबे के नाम से, उसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आप के लाइक करने से, कमेंट करने से हमारा मनोबल और भी बढ़ेगा। हम इस समय गाजीपुर में गंगा के किनारे छावनी लाइन, जो छावनी लाइन का स्थान है, वहाँ आकर के आप सभी का मनोरंजन कर रहा हूँ, पर्यावरण से आच्छादित इस पक्ष को प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।